सोलह बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देख लिया है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सारे फार्मूले को देखे हैं। हमने देखा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा जो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमने आगे देखा था कि जो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले होंगे, इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे जो आर्यश अग्रवाल से हमने लिया है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ कॉस ए इक्वल टू 9/51 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो क्वेश्चन में दिया है कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू दिया है 9/41, तो हमको फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली अपन करने क्या वाले हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। देखो ए जो है तुम देखो इसको ए बोलो, इस वाले को बी बोलो, और इस वाले को तुम क्या बोलो सी। अगर ए दिया है इसका मतलब ये है कि जो एंगल तुम्हारा है वो इसको लेना है तुमको, ए तुम्हारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाता है, और ए तुम्हारा एंगल ए है, और ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा बेस होगा। तो दिया है cos equal to 9/41, यानी cos का जो फार्मूला होता है cos equal to क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है, बेस 9 दिया है और हाइपोटेनस कितना दिया 41 दिया है, यानी बेस की जगह पे तुम क्या रख दो 9 रख दो, और हाइपोटेनस की जगह क्या रख दो 41 रख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके लिए क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना दिया 41, तो 41 का स्क्वायर p का स्क्वायर, और b कितना दिया है 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो p का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 41 का स्क्वायर देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या करोगे 41 प्लस 9, और दूसरे वाले में क्या करोगे 41 माइनस 9। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो 41 9 कितना हो जाएगा 50, और 41 में से 9 घटाओगे कितना होगा 32 होगा 32। तो अब हमको चाहिए क्या, p स्क्वायर यानी p का वैल्यू चाहिए। तो p का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लगा लो 50 × 32। बोलो 50 को कैसे लिख सकते हो, 25 × 2, और 16 को क्या लिख सकते हो 32 को 16 × 25 से बाहर क्या जाएगा 5 जाएगा, 2 और 2 दो बार है तो 1 2 बाहर ले लो, 16 से बाहर क्या जाएगा 4 जाएगा, तो 4 × 8 = 40। ठीक है, यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू कितना गया 40 आ गया। और आसान हो सकता था अगर आप तुम 41 का स्क्वायर करके 9 घटा देते सीधे स्क्वायर रूट ले लेते, जैसा करना आप कर सकते हो। तो अब साइन ए निकाल लो, साइन ए क्या होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पी कितना दिया है 40, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 41। सिमिलरली अगर टेन ए निकालना हो, बोलो टेन ए का फार्मूला क्या होता है, टेन ए होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो पी कितना दिया 40 और बेस कितना दिया 9। अब कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, तो अगर सेक ए निकालना हो तो वन अपन तुम डायरेक्टली क्या लिख लो कॉस ए लिख लो, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 41/9 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर तुमको कॉस ए कोसेक ए निकालना हो, कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, और साइन ए का वैल्यू तुम निकाल चुके हो 40/41, तो यहां पर कितना हो जाएगा 41/40। कॉट ए का निकालना हो तो कॉट क्या होता है टैन का उल्टा, तो कॉट इक्वल टू 1/2
टेन ए, और टेन ए का वैल्यू दिया कितना 40 बाई 9, यानी 9 में कितना हो जाएगा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/40, राइट। इसको नोट करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, दिया है इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4, सो दैट 2 cos theta - sin theta / cot theta - tan theta इक्वल टू, प्रूव करना है 4/7। तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, इफ sec theta, sec theta का वैल्यू दिया है 5/4, और तुमसे पूछ रहा है ना, सो दैट 2 cos theta - sin theta / cot theta - tan theta इक्वल टू कितना है 12/7, एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो sec theta का इनफॉरमेशन दिया है, और तुमसे 2 cos theta - sin theta / cot theta - tan theta इसका वैल्यू निकालना है, और इसको किसके इक्वल दिखाना है, 12/7 के इक्वल दिखाना है। तो बस वही काम करना है, सबसे पहले तुम क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, चलो इसको ए बोल दो, इस वाले को बी और इस वाले को सी, इसको हम एंगल बोल देते हैं थीटा। sec थीटा का वैल्यू 5/4 है, तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 4/5 हो जाएगा, यानी cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बोलो बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना हो गया 5, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3, क्योंकि 3, 4, 5 ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो कैसे, 5 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर + ab का स्क्वायर, वहां से वैल्यू निकल जाएगा 25 में से 16 घटाओगे आएगा 9, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर हमको चाहिए क्या, चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो LHS। अब LHS में बेसिकली दिया क्या है तुमको, 2 cos theta - sin theta / cot theta - tan theta। अब कुछ अपने से नहीं करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कॉस का वैल्यू रखो, साइन का वैल्यू रखो, कॉट का वैल्यू रखो, टैन का वैल्यू रखो, ठीक है। इसमें यार ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा दिमाग लगाने का बात ही नहीं है, क्वेश्चन खुद बोलता है तुमको करना क्या है। तो कॉस का वही वैल्यू निकाले 4/5, तो देखो 2 × cos की जगह क्या लिख दो 4/5 - sin थीटा, यहां से क्या होगा 3/5, राइट। cot थीटा, चलो tan की बात कर लेते हैं, tan थीटा कितना होगा 3/4, तो यहां पर माइनस में क्या रखो 3/4, और cot थीटा क्या होगा tan का रेसिप्रोकल, यानी जस्ट इसका उल्टा, यानी 4/3। एक बार और समझो, cos थीटा 4/5 होगा, sin थीटा 3/5 होगा, और tan थीटा कितना होगा 3/4, और cot थीटा क्या होगा 4/3, क्योंकि tan का क्या होता है रेसिप्रोकल। चलो सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो कितना होगा 8, 3/5 देखो 5 5 एलसीएम सेम है ना, 8 - 3/5 कर लो, 4/3 है 3/4 है, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 3 का 3 में कर लो, 4 का 4 में 4 = 16, 3 का 3 में 3 * 9, और नीचे का मल्टीप्लाई करोगे 4 * 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 8 में से 3 जब तुम माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5/5, 16 में से 9 घटाओगे कितना होगा 7, और नीचे कितना है 12, ये तो कट जाएगा, 12 कहां चला जाएगा ऊपर और 7 आएगा नीचे, यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, कॉस की वैल्यू को निकाला, साइन की वैल्यू को निकाला, कॉट और टैन की वैल्यू को निकाल कर सिंपली पुट किया, आंसर आया 12/7, जो हमारा क्या था राइट हैंड साइड, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है इफ 3 tan theta = 4, इवेलुएट 3 sin theta + 2 cos theta / 3 sin theta - 2 cos theta। तो क्वेश्चन में दिया क्या है,
इफ थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर दिया है, इवेल्युएट करना है तुमको थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन में रखना है थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन में देखो दिया है थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर, तो यहां से तुम क्या करो टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो देखो तीन को इधर भेजोगे तो क्या होगा फोर बाई थ्री, यानी टेन थीटा का वैल्यू निकल गया कितना फोर बाई थ्री। और क्वेश्चन में दिया क्या है, चलो क्वेश्चन में दिया है थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपान में क्या होगा थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो ट्रायंगल बनाओ साइन कॉस का वैल्यू निकालो ऐसे कर लो, नहीं तो टेन का वैल्यू दिया है कॉस से ऊपर और नीचे क्या करो मल्टीप्लाई करके क्या बना लो टेन बना लो। देखो क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से क्या करो डिवाइड कर दो, तो देखो यहां पे क्या मिलेगा तुमको थ्री साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसके भी नीचे करना पड़ेगा तुमको टू कॉस थीटा है तो इसके भी नीचे क्या करना पड़ेगा कॉस थीटा, नीचे का डिवाइड कियो ऊपर डिवाइड कियो तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा थ्री साइन थीटा अपान कॉस थीटा और यहां पर हो जाएगा टू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, राइट। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बोलो क्या होता है, ठीक है कितना होता है टेन थीटा। तो यहां पर चलो इधर लिखते हैं थ्री साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा थ्री टेन थीटा प्लस में टू हो जाएगा, क्यों कॉस से कॉस कट जाएगा थ्री साइन थीटा कॉस थीटा होगा नीचे थ्री टेन थीटा और माइनस में टू हो जाएगा, क्यों कॉस से कॉस खत्म। टेन का वैल्यू दिया कितना फोर बाई थ्री, तो लिखो टेन के जगह पे फोर बाई थ्री प्लस में टू नीचे थ्री टेन के जगह पे फोर बाई थ्री माइनस टू, तीन से तीन गया तीन से तीन गया चार को कितना होगा छ और चार माइनस टू यानी कितना हो जाएगा छह बटे टू यानी कितना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा तीन होगा। एक बार और बताते हैं क्वेश्चन में दिया क्या थ्री टेन थीटा इक्वल टू फोर, तुमको कैलकुलेट करना है थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा का वैल्यू। दो तरीका है, या तो ट्रायंगल बनाओ, ठीक है अब देखो इसको ए बोलो बी बोलो सी, अगर टेन थीटा इसको लेते हो तो देखो ये चार होगा ये तीन होगा क्योंकि पी बाई बी होता है टेन थीटा का वैल्यू और कितना हो जाएगा पांच। अब या तो साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के पुट कर दो ट्रायंगल से, नहीं तो साइन देखो यहां पर अगर साइन कॉस देखो नीचे सेम है, अगर कॉस से डिवाइड कर रहे हो तो फंक्शन हमारा जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है टेन थीटा में, तो टेन थीटा आराम से तुम बना सकते हो क्वेश्चन बिजली सॉल्व कर सकते हो, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्वेश्चन बोल रहा है इधर ट्राइंगल एबीसी एंगल बी दिया है 90 डिग्री, ठीक है और एबी दिया है 7 सेंटीमीटर एबी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और दिया है एसी माइनस बीसी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एसी माइनस बीसी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखो इन्फॉर्मेशन एबी का वैल्यू दिया है बट एसी और बीसी का वैल्यू दिया नहीं है, दो साइड का क्या दिया डिफरेंस दिया है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से लगाने वाले हैं, सबसे पहले तुम एक ट्राइंगल बना दो जिसमें तुम्हारा देखो चलो इसको तो हम सी बोल देते हैं इसको बी बोल देते हैं और इसको ए बोल देते हैं। बी कितना दिया 90 डिग्री दिया, क्वेश्चन में ए बी कितना दिया 7 सेंटीमीटर रख दो, एसी और बीसी का वैल्यू मालूम नहीं है,
अगर बीसी को तुम क्या करो, एक्स लेट कर लो, ठीक है, लेट बीसी को कितना मान लो, एक्स मान लो, तो एसी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एसी इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस बीसी, और बीसी कितना माने हो एक्स, तो बीसी तो एक्स हुआ और एसी कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स। अब तुम क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और करना क्या है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बोलो एसी का स्क्वायर कितना है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एबी का वैल्यू कितना दिया, सात, तो सात का स्क्वायर, और बीसी कितना दिया है, एक्स का स्क्वायर। इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ, तो हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब सत्य उनचास। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, इधर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी वन प्लस एक्स प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, अगर इसको ए मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, बी, तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 49। एक्स एक्स को कैंसिल हो गया, बी की कोई मतलब होगा नहीं, ये का मल्टीप्लाई करने पे, तो वन प्लस क्या होगा, टू एक्स, तो वन प्लस टू एक्स इक्वल टू कितना, 49। एक उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा, और दूसरे डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, 24। यानी एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया, 24, और हाइपोटेनस कितना होगा, 24 में जोड़ दो यानी कितना, 24। अब हमारा काम क्या हो गया, अब इसको नोट कर लो, इतना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम एक बार लगा लिया तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तुम सारे साइड को फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद से आसानी से इन रेशियो को फाइंड किया जा सकता है। चलो अब हम साइड के रेशियो को फाइंड करते हैं। चलो देखो ये कितना था, वन प्लस एक्स, वैल्यू कितने आई थी, 25। तो साइन ए ये वाला एंगल है और साइन सी ये वाला एंगल है, ठीक है, सी वाले में इसको इस एंगल को लेना है और ए वाले में इस वाले एंगल को लेना है। तो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए ई बाई क्या होता है, एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बोलो साइन ए पी बाई एच, ठीक है, पी का वैल्यू कितना, 24, और हाइट कितना है इसका, 25, और हाइपोटेनस कितना है, 25। कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है, 7, हाइपोटेनस कितना है, 5। अगर साइन सी तुमसे कल को कोई पूछ दे तो साइन सी इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 7, हाइपोटेनस तो हमेशा कितना होगा, फिक्स होगा 7/25। कॉस सी का वैल्यू अगर कोई पूछे, एंगल के सामने के साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो क्या होगा, बेस, यानी 24 बटे क्या हो जाएगा, 25। आया समझ में, इस क्वेश्चन को नोट करो। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बार का जो क्वेश्चन है वो काफी हटके है, मजा आने वाला है तुमको सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो साइन थीटा का वैल्यू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पूछ रहा है फाइंड ऑल द टी रेशियो, ठीक है, यहां पे क्या फाइंड करना है, ऑल टी रेशियो, यानी साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, इन सबको क्या करना है, फाइंड करना है। साइन तो दिया ही है, साइन के अलावा जो पांच होते हैं उनको निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमको सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी, एंगल सी को क्या ले लो, थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बोलो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का वैल्यू ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात रह गई किसकी, बीसी, बीसी को निकालना होगा। तो बीसी निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। एसी दिया कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करोगे, होल स्क्वायर। ठीक है, एबी की जगह कितना रखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर को क्या कर लो, जैसा वैसे लिख लो। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसका भी होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला कुछ पढ़े हो यार तुम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा, टू ए। तो यहां पर ए स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, तो ए का स्क्वायर यदि करोगे तो ए के पावर कितना हो जाएगा, फोर। बी का स्क्वायर दिया है, तो बी का स्क्वायर करोगे ए बी के स्क्वायर का स्क्वायर, तो बी के पावर फोर, प्लस में हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए के पावर फोर प्लस बी के पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ए के पावर फोर से ए का पावर फोर कट जाएगा, बी के पावर फोर से बी का पावर फोर कट जाएगा, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर लाके क्या करो, ऐड कर लो, तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब अगर तुमको बी सी निकालना होगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी फोर से तुम क्या निकालोगे, टू ए स्क्वायर से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर से क्या आएगा, बी। यानी बी सी का वैल्यू कितना निकल के आया, टू ए बी। इतना समझ में आया, इसको इरेज कर दे। देखो हमने क्या किया, साइन थीटा की मदद से पी और एच तो दिया ही है, बेस निकाल लिया किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं, अभी किसका, ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा का निकालना है। बेटा दे चलो, तो साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा का भाई कोसेक थीटा जो इसका रेसिप्रोकल होता है वो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस यानी टू ए बी अपान में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा। टेन थीटा निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपान बेस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, टू ए बी। अगर यहां पर तुमको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना हो तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल लिख दो, टू ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्वेश्चन आसानी था, आई होप तुमको समझ में आया होगा। चलो इसको फटाफट नोट करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टैन थीटा इक्वल टू 4/3 सो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। देखो क्वेश्चन दिया है टैन थीटा इक्वल टू 4/3, सो करना है क्या, सो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू दिया है तो सो करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5, यानी कुछ नहीं करना है, सीधा तुम क्या करो, ट्रायंगल बनाओ, इस एंगल को थीटा बोल दो, ए बी सी, बोलो टेन थीटा 4/3 यानी ए 4 होगा यानी कितना हो जाएगा 3, और इसका साइड कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 3 4 5 क्या बनाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा कैसे होगा 4/5, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया है
यहां से 4 बाई 5 हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा 3 बाई 5, तो 4 और 3 जोड़ लो 7 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, नोट करो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलो दिया है इफ tan थीटा, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू a बाय b, तो सो करना है सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक पॉज ले लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को क्या करो अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो देखो टैन थीटा का वैल्यू दिया, ये वाला एंगल कितना है थीटा, इसको ए बोलो, इस वाले को बी बोल दिया, इसको सी। तो टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू ए दिया और इसका वैल्यू बी दिया है। यहां पर तुमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए सी। तो ए सी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए का स्क्वायर, बीसी कितना हो जाएगा बी, यानी बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना मिलेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए सी मिल गया, तो ए सी का वैल्यू रूट में क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो साइन के जगह पे क्या होगा, ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन देखो, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, ए अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कॉस थीटा बी बाई दिस, तो b इंटू बी बाई क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपान, यही चीज प्लस में हो जाएगा, यानी a इंटू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, b इंटू बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम सेम है, a का गुणा a में होगा तो ए स्क्वायर, b का b में होगा तो बी स्क्वायर। नीचे देखो एलसीएम, नीचे एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एलसीएम दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो सीधा आंसर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, आया समझ में, तो इसको नोट कर लो। देखो एक बार और बताते हैं, ए का गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो ए भी और ए दोनों सेम है, यहाँ का एलसीएम नीचे का एलसीएम दोनों सेम होगा, एक दूसरे को काट देंगे, बस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो बचेगा। ठीक है, नोट करो इसको। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिगर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पहले एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें क्यू 90 डिग्री है। अब इसमें दिया है एंगल पी, अच्छा इसको पी बोला है, ये पी है क्यू और क्या है आर, और एंगल पी को क्या बोला है थीटा, और एंगल आर को बोला है फाई। बोल रहा है फाइंड, फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड रूट में एक्स प्लस वन इंटू क्या है कॉट फाइव, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है रूट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है टेन थीटा। तीसरा पूछ रहा है कॉस थीटा का, ठीक है, और यहां पर वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू एक्स दिया है
और इस वाले का वैल्यू एक्स प्लस टू दिया, ठीक है। तो अब हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, पी क्यू का वैल्यू। बिना पी क्यू के तो क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो पी क्यू निकालो, पी क्यू निकालने के लिए क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर दो का स्क्वायर चार प्लस कितना होगा फोर एक्स, टू ए बी तो दो दूनी चार इंटू एक्स फोर एक्स हो जाएगा। और उधर तुम्हारा दिया है पी क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से जो पी क्यू का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा फोर प्लस फोर एक्स, ठीक है। यानी अगर पी क्यू निकालो, यहां पर लिख देते हैं, अंडर रूट में लेना पड़ेगा फोर प्लस फोर एक्स, चार कॉमन लोगे ना तो चार का स्क्वायर रूट कितना होगा टू, तो टू बाहर आ जाएगा तो टू रूट में बचेगा वन प्लस, ठीक है। यानी इसका वैल्यू जो निकल के आया टू रूट में वन प्लस। एक बार और बताते हैं, चार कॉमन लोगे, यहाँ दोनों जगह चार है तो चार को बाहर लाओगे तो स्क्वायर रूट में आएगा कितना आएगा टू आएगा, चार का होता है। अब बहुत आसान है कॉट फाइव, तो कॉट फाइव यानी फर्स्ट इक्वेशन जो है रूट ओवर एक्स प्लस वन इंटू कॉट फाइव। देखो कॉट फाइव क्या होगा, देखो अगर टेन फाइव रहता तो देखो टेन फाइव के लिए क्या होता, परपेंडिकुलर अपन क्या होता बेस होता, यानी कॉट फाई है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो बेस बाई क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। अरे ऐसे देख लो यार, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है बी बाई बी, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा बेस बाई बी, तो फाई के लिए तो परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या है बेस, तो बेस को कहाँ रखोगे ऊपर, तो हो जाएगा एक्स प्लस वन कॉट फाई यानी बेस ऊपर रखोगे और नीचे तुम्हारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो टू रूट में एक्स प्लस वन। अब देखो इस रूट एक्स प्लस वन सही वाला खत्म हो गया तो आंसर में आया कितना एक्स बाई टू आ गया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है एक्स बाई टू। चलो सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं सेकंड में। देखो सेकंड में देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा भाई यहां पर एक्स प्लस वन इंटू में क्या है टेन थीटा, एक्स स्क्वायर को अगर बाहर लाओगे तो कितना बाहर जाएगा एक्स बाहर जाएगा, रूट में होगा एक्स प्लस वन और टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी एक्स बाई टू रूट वन प्लस एक्स, तो ये तो भाई साहब सही हो जाएगा, एक दूसरे से कट गया, एक्स का एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा टू, ठीक है। कॉस थीटा बहुत आसान है, कॉस थीटा क्या होगा बेस भाई हाइपोटेनस, यानी टू रूट ओवर वन प्लस एक्स अपान में क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, ठीक है। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे क्वेश्चन था सबको कवर कर लिया है, आशा है कि तुम्हारा ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एंगल वाले प्रॉब्लम के साथ। चलो आज के लिए इतना ही।